नमस्कार दोस्तों, आज JDTV इंडिया के माध्यम से हम आपको ओपी शर्मा जी के बारे में बताने जा रहे हैं। ओपी शर्मा जी जो कि BJP के वरिष्ठ नेता हैं और हमेशा गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ओपी शर्मा जी ने इस समय सर्दी के मौसम में गरीब जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं। आइए हम जानते हैं ओपी शर्मा जी के बारे में, हमारी एक रिपोर्ट। के समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए एक प्रयास संस्था के द्वारा ये कार्य है लगातार किया जा रहा है और मुझे लगता है ये 16वां 17वां कंबल वितरण का ये कार्यक्रम है। केवल एक ही प्रयास है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो। जो व्यक्ति एक सप्ताह के लालच में अपने बच्चों की कसम खाकर उसने अपना प्रमाण दिया हुआ है कि वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ झूठा है, तो उसमें अब तो दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है। बस उसके लिए शब्द नहीं है बस हमारे पास। भाई और बहनों, देश की जनता को मैं बधाई देता हूँ आने वाले भारतीय गणतंत्र दिवस की, जो कि हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और आप सब सादर आमंत्रित हैं 26 तारीख सुबह 9 बजे गणतंत्र दिवस की खुशी में एक सद्भावना साइकिल रैली जो विश्वकर्मा नगर में शुरू होगी। भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, रामनारायण दुबे जी, इंदिरा झा जी, अनिल जी, रजत जी सब वहाँ पे मौजूद रहेंगे झंडी दिखाने के लिए। आप भी सब आमंत्रित हैं बच्चे साइकिल चलाने के लिए। सबको वहाँ पे टी शर्ट, कैप, बैग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आप सब आमंत्रित हैं 26 तारीख को सुबह 9 बजे प्रतापखंड मस्जिद के सामने से हमारी साइकिल रैली शुरू होगी। सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज के कंबल वितरण समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रकाश शर्मा के माध्यम से 16 विधानसभाओं ये कंबल वितरण हो रहा है और जो 4-5 विधानसभा है उनका भी तुरंत होने वाला है। एक प्रयास NGO भाई रजत जी, अनिल जी और इनके तमाम सहयोगी NGO के, उनको मैं बधाई देता हूँ। इस तरह गरीबों का निरंतर सेवा करता रहिए, दीन दुखिया की सेवा करिए, परमात्मा आपकी झोली भरता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है।